नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आप सभी को 26 जनवरी 2023 के मौके पर गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश इस साल अपना 74वां यानी कि 74th गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मना रहा है और आपको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम अपनी क्लास जो रीजनिंग की चला रहे थे, इससे पहले जो आपका क्लॉक चैप्टर चल रहा था, उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था जो था घड़ी की सुइयों के बीच में कोण, जो कि आपके एसएससी की जीडी के इस समय जो पेपर हो रहे हैं उनमें लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब हम लोग उसी के आगे सेकेंड टाइप पे पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो मैंने जो टाइप वन पढ़ाया था उसके बाद मैंने तीन पॉइंट लिखाए थे कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनाती हैं, कितनी बार 180 डिग्री बनाती हैं और कितनी बार 90 डिग्री बनाती हैं। ये बात हमारी हुई थी आपस में। उसके बाद फिर ये हुआ था कि 180 डिग्री वाला तो मैंने आपको बता दिया था कि 180 डिग्री 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ था, लेकिन 0 डिग्री की खोज के लिए हमने बताया था कि हम लोग नासा के पास गए हैं खोज कराने के लिए, लेकिन नासा भी नहीं ढूंढ पाया कि आखिर 12 घंटे में 11 बार कैसे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसकी खोज किसको करनी पड़ी, आखिरकार थक हार के हम ही को करनी पड़ी और आज हम लोग उस खोज का खुलासा भी करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपना सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बनता है विपरीत कोण में। विपरीत कोण में बेटा क्या होता है, विपरीत कोण में आपको पहले तो एक टाइम ड्यूरेशन दी होती, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, यानी कि आपसे एंगल नहीं पूछ रहा है, एंगल इस बार उसने दे दिया है, संपाती का मतलब है 0 डिग्री। क्वेश्चन ये बन रहा है कि 2 से 3 यानी कि 1 घंटे के दौरान कौन सा ऐसा मूवमेंट आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको वो टाइम बताना है, ठीक है। इसीलिए विपरीत कोण मतलब कोण दे दिया है और टाइम पूछ दिया गया है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, जैसे यहां पे दिया है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा आपको थीटा दिया होगा, कोण भी दिया होगा कि कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 2/11 t1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला नासा ने नहीं खोज पाया था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने खोज निकाला है, इसी से सॉल्व होगा और इसी से आपके पिछले वीडियो में जो एक डाउट छूट गया था 0 डिग्री वाला, उसका भी आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पे जो m है ये आपका मिनट है, ठीक। t1 जो है ये आपका टाइम ड्यूरेशन में पहला वाला टाइम है जो दिया होता है और थीटा जो है वो आपका डिग्री होता है कि कितने डिग्री का कोण बनाना है, इस तरीके से कि इस समय किस समय पर घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, विपरीत होंगी, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2 से 3 बजे के बीच, t1 मैंने क्या बताया, t1 हमारा हो जाएगा यहां पे 2 और जो थीटा है वो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, संपाती का मतलब 0 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू 2/11 t1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए m ऐसे रहेगा, 2/11 ऐसे रहेगा, t1 की जगह पे कितना आ जाएगा 2 और 30 ऐसे रहेगा और थीटा की जगह पे 0। हम जानते हैं कि 0 चाहे इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए आंसर हमारा यही निकल के आएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई 30 × 60 और 60 × 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 10 सही 10/11। भाई 11 दशमलव 110, 110 और 10 को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 120, क्या यही निकल के आया। ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, m की आई है। तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा और इस मिनट को t1 के आगे लिख देते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर, 2 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर हमारी सुइयां जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, यानी कि संपाती हो जाएंगी। कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 से 1 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला अपना पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 2/11 t1 कितना है 12 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस 0, संपाती का मतलब 0, 2/11 12 × 36 और प्लस माइनस 0, 2/11 और 360, यहां पे बन जाएगा 720।
720, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं अपना 720। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप लोग 720 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छक्का 66 चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 6 और 0, फिर 11 पचे 55, तो यानी कि जो आपका आंसर निकल के आएगा बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगा 65:5/11, यानी 65:11 ठीक। अरे बस यही तो नासा को खोज करने के लिए दिया गया था जो नासा नहीं ढूंढ पाया था। देखिए एक घंटे में मैक्सिमम कितने मिनट हो सकते हैं, 60 मिनट हो सकते हैं, बिल्कुल। हमारे कितने निकल के आ रहे हैं, 65 मिनट निकल के आ रहे हैं। क्या 65 मिनट हो सकता है, नहीं हो सकता है, 60 मिनट ही होंगे। और जैसे ही 60 मिनट इसमें से हटाए जाएंगे तुरंत यहां पे क्या बच जाएगा, 1 से 2 का हिस्सा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 12 से 1 के बीच में अगर हमको 0 डिग्री का एंगल प्रूव करना है तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 12:65:11, और जबकि 60 से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तुरंत हम लोग 1 से 2 वाले ड्यूरेशन में आ जाएंगे। तो यही एक ऐसा ड्यूरेशन है यानी 12 से 1 बजे के बीच में हमारी सुइयां 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। इसीलिए आपको मैंने जो नोट करके लिखाया था उसमें लिखा हुआ था कि 12 घंटे में 11 बार एंगल बनता है। कोई दिक्कत, कैसे हुआ ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि 65 मिनट आंसर आ रहा है और हमारे मिनट कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे भी निकल के आ सकता है बेटा कि कितने मिनट पे घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरटेक कर जाती हैं। तो 1:05:05, अब देखो इसमें से 60 मिनट हमने दे दिए, तो जब 60 मिनट हम दे देंगे तो यानी 1 से 2 वाला ड्यूरेशन हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1:05:11 पर सुइयां जो हैं वो हमारी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी यानी ओवरटेक कर जाएंगी। ये क्वेश्चन भी आयोग पूछ सकता है कि किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरटेक कर जाती हैं, तो यानी कि 1:05:11। कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है किस समय 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा का मतलब होता है थीटा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, m=2/11 t1 × 30 ± 180, ठीक, ये हो गया। अब जब तक यहां पे जीरो आ रहा था तब तक हम क्या कर रहे थे भैया, ना जोड़ो ना घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा कौन सा रहता था, यही वाला रहता था। अब की बार यहां पे आ गया 180, अब 180 को हम ऐड करें या माइनस करें ये हमारे सामने कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है क्या है, प्लस चिन्ह हम लोग तब लेते हैं जब t1 की वैल्यू 6 से छोटी होती है। क्या कहा मैंने, प्लस चिन्ह हम लोग इस फॉर्मूले में तब लेते हैं जब t1 की वैल्यू 6 से छोटी होती, क्योंकि 6 हमारा ठीक आधी दूरी पे आता है। और हम लोग माइनस कब लेते हैं, जब t1 की वैल्यू 6 से बड़ी होती है। क्या कहा, माइनस चिन्ह तब लिया जाएगा जब t1 की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और प्लस चिन्ह तब लिया जाएगा जब t1 की वैल्यू 6 से छोटी हो जाएगी। यहां पे t1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, जो कि 6 से छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्लस का सिंबल ले लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, 2/11 3 × 30 + 180, यही तो बनेगा, ठीक है। 2/11 30 × 90 90 और 180 कितना हो जाएगा, 270 270 हो गया भाई, और 27 × 54। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, यहाँ कहीं पे कोने में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 540/11 कितना हो जाएगा, 11 × 44 100 99, यानी कि 1:99, यानी कि 49:1/11। तो 3:49:1/11 पे क्या होगा, हमारी सुइयों के बीच का कोण जो है वो 180 हो जाएगा, या हमारी दोनों सुइयां जो है वो विपरीत हो जाएंगी। कोई दिक्कत, फॉर्मूले में प्लस माइनस क्लियर हो गया। जब भी t1 की वैल्यू 6 से छोटी होगी हमेशा प्लस लिया जाएगा, और जब t1 की वैल्यू 6 से बड़ी हो जाएगी तो हमेशा माइनस लिया जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक।
अब इसी का हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का मतलब अभी तक आपको क्वेश्चन में दे रहा था कि कितने डिग्री, मतलब कितने समय पे इतने डिग्री का कोण बनेगा, बता देता था, बहुत अच्छी बात है। अब की बार कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुइयां घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आगे पीछे वाला। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज आते हैं। कंफ्यूज क्या आते हैं, जब तक एंगल दे देता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब एंगल दिया नहीं है, अब की बार हमको क्या दे दिया, मिनट दे दिया है, और हमें फॉर्मूले में क्या पता है, एंगल पता है, तो इस चीज का कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस चीज को बेटा इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जितने मिनट आगे पीछे होते हैं उन मिनटों से ही हम क्या करते हैं, डिग्री निकाल लेते हैं या थीटा निकाल लेते हैं। आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है, 6 डिग्री का एंगल होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। और 1 घंटे में कितने का प्रूफ किया था, आधे डिग्री, मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आधी डिग्री का एंगल बनाती, यानी 1/2 का बनाती, ठीक है। कितने मिनट पीछे है, अच्छा 4 मिनट है, तो 4 मिनट में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 24 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है। क्या अब ये क्वेश्चन वही बन चुका है कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री के एंगल पे होगी, क्वेश्चन हमारा पुराना वाला बन गया। बस इसमें ये स्टेप लगा के इसको हमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बना लेना है। अब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला 2/11 T1 मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस 24। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ध्यान रखो, जब भी आपको पीछे वर्ड दिया हो तब हम लोग माइनस सिंबल लेते हैं, और जब आगे वर्ड दिया हो तो हम लोग प्लस का सिंबल लेते हैं। ये तो सीधी बात है, जब पीछे बढ़ रहे हैं इसका मतलब माइनस हो रहे हैं, और जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्लस हो रहे हैं। इसमें दिया है पीछे, हमको क्या करना है, माइनस का सिंबल लेना है, तो यानी m इज इक्वल टू 2/11 60 - 24, तो यहां पे कितना आ जाएगा 36, हाँ 36, और 36 टू जा कितना होता है 72, ठीक, तो यहां पे बनेगा 6/6/11। कोई दिक्कत यहां तक, तो यानी कि 3:06:11 पर हमारी सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण होगा, या मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा था, क्योंकि लैंग्वेज ही इसकी बेटा बहुत टफ होती है, लेकिन जैसे ही आपने इसको डिग्री में बनाया आपको तुरंत हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन मिल गया, और पहले टाइप के क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे करके सॉल्व कर लिया। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपको मिनट आगे पीछे कर देगा तब आपका सिंबल इससे नहीं डिसाइड होगा, तब आपका सिंबल आगे पीछे से डिसाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 से 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, पीछे होगा, इस बार क्वेश्चन में आगे कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है। अब 7 मिनट है, 1 मिनट में बेटा कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का होता है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा, 42 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना वही फॉर्मूला पुट कर देंगे पुराना ब्रह्मास्त्र, T1 × 30 ± 42, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, m = 2/11 ऐसे ही रहेगा, T1 कितना है 3, 3 और 30 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक मिनट बेटा, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 60 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 से 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 66 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 132, और 132 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 11/11। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई करने पे 121 आएगा, 121 और 11 को प्लस करने पे 132 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, 30 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। 40 उसमें 24 माइनस हो रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें पीछे की बात कही गई थी, अब इसमें आगे की बात कही है, तो इसमें हमारा 42 जो है वो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 90 और 42 कितना हो जाएगा, 132, यानी कि आंसर निकल के आ जाएगा 264/11, ठीक है। अब जब हम 264 को 11 से डिवाइड करेंगे, 264 डिवाइड बाय 11, तो 11 × 22 = 44, 11 × 4 = 44, कोई दिक्कत, यानी कि हमारा पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
तो हमको क्या पता चल गया कि 3:24 पे मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी, या दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण बन जाएगा। कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये आपका अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन के बच्चा कंफ्यूज आता है, लेकिन आपको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये फॉर्मूला अपना ब्रह्मास्त्र याद रखना, बस इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप के जो हैं, दो टाइप के क्वेश्चन है, पहले में एंगल देगा और दूसरे में आगे पीछे मिनट दे देगा, उसमें आपको एंगल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा क्लॉक चैप्टर चल रहा है, इसमें हमारे दो टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। पहला तो आपका ये वाला हो गया है, और दूसरा आपका हो गया है जो बेसिक टाइप का बनता है, यानी घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टाइप बचा हुआ है जब घड़ी को गलत कर देता है, यानी क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली सीजीएल एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी आपका कवर किया जाएगा क्लॉक के पार्ट 3 में। ये वाला टाइप आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आई, उनको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं क्लियर हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले आपकी वो चीज़ क्लियर करी जाएगी, उसके बाद आगे वीडियो बनाया जाएगा। क्योंकि बेटा अगर ये नहीं सीखा आपने तो क्या सीखा, ठीक। अपना रिव्यू जो है इस क्लासेस के लिए ज़रूर दें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, जीके, जीएस, इनकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की ज़रूरत है, तो इंस्टा पे हमारे परिवर्तन द एजुकेशन हब नाम के चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।